नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं संगरिया में मौजूद हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं गुरदीप सिंह शाहपीनी और विधायक रहे। इस बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और एक सादगी के साथ है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ जो है नामांकन दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। कोई जलसा नहीं है, कोई जुलूस नहीं है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नामांकन आज दाखिल कर दिया है, कितनी उम्मीद लग रही है जीत को लेकर के? 100% जीत की उम्मीद है जी। और जनता साथ है, जनता ने चुनाव लड़ना है। जनता ने पिछले 2018 का चुनाव लड़ा था जी। और जनता सभी गुरदीप सिंह साहब के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक गली में, एक घर में, एक डाणी में जाकर वोट मांगेगा और वोट डलाएगा और दोबारा हमारे यहाँ से जीत के जाएंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और जो विकास का पहिया यहाँ रुका हुआ उसको तेज गति से चलाएंगे ताकि हमारा यहाँ का संग्रह विकास हो सके। 2018 में मैं कवर करने आया था, आपका इलेक्शन कवर किया था। उस वक्त आपने कहा था कि शाहपीनी को जिताने के बाद जो है सभी गांवों के अंदर या सभी लोगों को जो है कहीं सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एक ही कार्यालय खोल दिया जाएगा टिब्बी संगरिया। क्या वो सब पॉसिबल हो पाया सर? हो पाया सब कुछ? वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। इस बार वो पॉसिबल होगा, हमारी सरकार बनेगी तो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे किसी को। बाकी आपको क्या लगता है कि 5 साल के इस कार्यकाल में क्या काम आप करवा पाए, क्या नहीं करवा पाए? बहुत से काम जो नहीं करवा पाए जो स्टेट गवर्नमेंट से होने वाले थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीमें थी वो बहुत लेके आया। और जैसे जल जीवन मिशन योजना के अंदर मेरे विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ, 200 करोड़ का हुआ है। चाहे हमारे सड़कों का काम था, उसके अंदर 350 करोड़ की सड़कें मैं लेके आया। पक्के खाड़ों का था, CID के अंदर 100 करोड़ भी लेके आया। ऐसे बड़े बड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम थे वो बड़े बड़े करा के लिए हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट से हमारे को मदद मिली थी वो नहीं मिली। गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि फिर से कांग्रेस आ रही है, हालांकि 30 साल की अगर परंपरा देखें तो एक बार BJP एक बार कांग्रेस। क्या लग रहा है, नंबर आपका है या उनके दावे में कितना दम मान? आपको क्या लगता है, आ जाएगी जी? आप बता दो ना, आप बताइए सर। आप मैं आपसे पूछता हूं, आग लगने लग गई अभी, आप घूम रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि आ जाएगी, ये बता दो मेरे को जी। नहीं, आप बताइए ना कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं पेपर चोर जी, मंत्रियों पेपर चोर कराए हैं और चोरों चोर पेपर लीक हुए हैं। हजार लाखों की करोड़ों की तादाद के अंदर जो युवा है वो डंडा ले बैठे हैं हाथ के अंदर। तो खिलाफत भी शुरू हो चुकी है, गुलाब शिविर है, वो भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ पार्टी ने अन्याय किया, मैं लंबे समय से टिकट मांग रही थी, पिछली बार भी मेरे को कहा कि आपको अगली बार सोचेंगे, इस बार फिर मुझे टिकट नहीं दिया। कई तरह के आरोप आप पे उन्होंने लगाए हैं। मैं किसी पे आरोप तो नहीं लगाऊंगा जी। और हमारा पारिवारिक संबंध आपसी में, ये चुनाव 4 दिन की बात है और संबंध नहीं खराब करना चाहिए कभी भी। और मैं तो ये कहता हूँ उनकी जो पहचान बनाई है पार्टी ने बनाई है, उनको महिला जिला अध्यक्ष बनाया, महिला मोर्चे का उनकी पहचान बनी, जिले की जो वो हमारी बॉडी होती है जिला कमेटी है जो, उसके अंदर उनको उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने उसका नाम दिया, पार्टी ने उनको टिकट दी जिला परिषद की, वो पार्टी के चुनाव से जीत के आए। उसके बाद उनकी पहचान होनी चालू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको विश्वास करके उनको जिला प्रमुख की टिकट दी, चाहे जीत हार अलग बात है। तो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहचान बनाई है। तो कांग्रेस है वो कहाँ फंसी हुई है, टिकट अनाउंस नहीं हो पा रहा है, कई कई दावेदार है वो टिकट मांग रहे हैं। वो आप रंधावा जी से और गहलोत साहब से और पायलट से पूछिए कहाँ फंसी हुई है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि लगातार जो हम ध्यान देते नहीं, हम अपना काम करते हैं जी। पिछली बार जो हम चुनाव में उतरे थे तो लोग कह रहे थे 10 टॉप के अंदर कांग्रेस की यहाँ सीट है, 30,000 पार जीत रही है, और हमने वो सभी के सहयोग से सीट जीती और इस बार हम उससे ज़्यादा जोर लगा के सीट जीतेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन का कितना कसर आपको लगता है कि क्यों इस चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि ये पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, आपको लग रहा है? किसान आंदोलन जो था वो जो किसानों की मांग थी वो हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी पूरी कर दी, उनसे माफ़ी मांग कर, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था उस दिन, सभी लोगों से माफ़ी मांग कर और जो तीनों बिल से वापस ले लिया, उसका बात करने का कोई फायदा नहीं कोई। तो जलदूत कहे जाते हैं आप, पोस्टरों में भी मैंने देखा कि गुरदीप सिंह शाहपीनी फिर से जलदूत। सर, पानी खेतों तक पहुंच पाया कितना आप मांग? वो अब जनता से पूछो पानी पहुँचा नहीं पहुँचा, मेरे बताने से क्या होगा, वो जनता बताएगी पहुँचा नहीं पहुँचा। डाणियों के अंदर पीने का पानी पहुँचा नहीं पहुँचा जनता बताएगी, खेतों के अंदर पानी पहुँचा नहीं पहुँचा जनता बताएगी। धन्यवाद। पानी 1200 का है भाखड़ा के अंदर, अब 1400 चल रहा है, वो इन्हीं की बदौलत है, 9 साल से बैलेंस बंद था और इन्होंने बैलेंस चल रहा है, 1400 क्यूसिक पानी आज के दिन चल रहा है, जो हमारा 1200 है, जो बैलेंस पंजाब से पानी आता है वो इनकी मेहनत से आ रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ BJP प्रत्याशी गुरदीप सिंह शाहपीनी, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।